तो जी शाम का टाइम हो गया और 6 बज गए, घड़ी आ गया है। और अब शाम की पूजा भी करनी है और खाना वगैरह भी बनाना है। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आलू की सब्जी और दही ही लूँगी शाम के खाने में। पता नहीं भैया सब्जी ले रहे क्या, तो फ्रूट ले रहे हैं। अगर मुझे आलू लेके आने, आलू नहीं है तो वो लेके आने हैं। और कृष्णा सो रहा, बच्चे कर रहे हैं रेस्ट। रेस्ट नहीं, बस अपना लगते ही रहे किसी ना किसी काम में। और सुबह से बच्चे भी जो हैं अपना वर्ती है, बच्चों का भी, दोनों तीनों का ही। कृष्णा ने भी हमारे खाया नहीं, जो हम खा रहे वही खा रहा। खाना भी बनाने लगी थी मैं, बना कर दिया कि नहीं मम्मा मैं तो वही खाऊंगा जो आप खा रहे। तो जी माता रानी करती है अपने आप से जो भी करती है। तो अभी मैं पहले जाऊंगी आलू लेने जाऊंगी मैं, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। आलू ले के आऊँगी, दही ले के आऊँगी। और पियो के डैडी तो सुबह से जब से गए हुए आए ही नहीं, रात रूत को ही आवेंगे, जब भी आवेंगे देखी जाएगी। तो मैं लगती हूँ काम पे, पहले तो मैं टी शर्ट चेंज कर लूँ। मैं लेटी थी तो मैंने सूट निकाल के टी शर्ट डाल ली थी, तो सूट पहन के आ गई थी। फिर मार्केट से सब्जी लेने, सब्जी और केले लेके आई थी। केले भी बल्कि अच्छे नहीं मिले, ना आलू अच्छे मिले। दिन में तो अच्छे मिल जाते हैं पर शाम को इतने अच्छे नहीं, क्योंकि दिन में छट छट सी जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने कहा चलो, इतना मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा अब तुम पूजा की तैयारी करो, तब तक मैं थोड़ा सा किचन का काम समेटती हूँ। और बच्चों की ये चोटियाँ सी बनाई थी, मैंने कर करके देखती रहती हूँ। मैंने कहा चलो टाइम तो कटे कैसे ना कैसे करके, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाता है, अपना काम का काम हो जाता है, तो सारी ही है। तो खैर यहाँ पे देखिए मैं बस फटाफट से बर्तन करने लगी थी, ये चाय पानी के ही थे क्योंकि बच्चों का और मेरा वर्थ था। और पीयू के डैडी तो सुबह को जाके रात को ही घर आते हैं, और पूरा दिन ऐसा निकल जाता है कि उनकी शक्ल भी नहीं देखने को मिलती कई बार। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने आलू रखे हैं बॉईल होने के लिए। और मैंने जब व्रत किए थे शुरू, तो एक संकल्प होता है जब आप व्रत करते हैं ना, तो एक संकल्प लेते हैं कि आप व्रत रखेंगे। और मैं उसमें पता नहीं, वैसे देखिए मैं सही में नहीं बता सकती कि सभी ऐसा करते हैं या नहीं। तो मैंने जब संकल्प लिया था तो मैंने उसमें ये भी संकल्प लिया था कि मैं क्या खाऊंगी क्या नहीं। तो दिन में मैंने ये था कि मैं केले लेऊंगी और एक या दो बार चाय, दो बार तो मैं चाय पीती ही हूँ और उसके साथ ही मैं केले भी लेती हूँ। और शाम को मैं ज़्यादातर, पहले दिन तो मैंने पी ली थी, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शाम को जब मैं चाय पीती हूँ तो मुझे जलन सी महसूस हुई, तो फिर मैंने शाम की चाय अवॉइड ही की। और रात को मैं सिर्फ जो सेंधा नमक के आलू होते हैं और दही, सिर्फ वो मैं लेती हूँ हर रोज डेली। देखिए आती काफ़ी सारी चीज़ें हैं मार्केट में खाने की, चिप्स वगैरह, मूंगफली या कुछ भी, तो मैं उन्हें खाती नहीं हूँ। क्योंकि देखिए कुछ लोग तो होते हैं जो नमक भी खाते हैं इनमें, दिन में कि सेंधा नमक के आलू छोंक दे या चिप्स वगैरह जो मार्केट से मिलते हैं, तो हम नहीं खाते। हमारे यहाँ ज्यादातर कोई भी नहीं खाता, सिर्फ एक टाइम नमक खाते हैं, वो रात को खा लेते हैं, बस रात को ही खाते हैं। दिन में तो अपना फल वगैरह ही लेते हैं, जो भी मिठाई बना ली, पंजरी वगैरह। पर मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं केले तो भले ही खा लेती हूँ चाय के साथ, लेकिन मैं मिठाई, मीठा या कोई और चीज मेरे से खाई नहीं जाती व्रत में, तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता मीठा ज्यादा, तो मैं केले ले लेती हूँ चाय के साथ। तो बाकी ये भी होता है कि भाई आप बना लिया करो, इतनी सारी चीजें होती हैं व्रत की। बस जी मेरा अपना वही संकल्प है कि मैं यही खाऊंगी, तो मैं वो ही खा रही हूँ। और फिर मुझे दूसरा ये भी लगता है कि भाई अगर रोज रोज कुछ अलग अलग ही खाना है कि भाई आज ये बना लो आज वो बना लो कि जीभ के स्वाद के लिए, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो व्रत मेरे हिसाब से नहीं होता। क्योंकि अगर वो कहते हैं ना कि व्रत का तो ये है कि आपको अपना अंदर का शुद्ध करना है, अपने मन को शांत करना है, अपने शरीर को कुछ चीजों से विराम देना है, मतलब कुल मिला के शरीर का एक कहते हैं ना कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, डिटॉक्सिशन जो भी बोलते हैं उसको, वो हो जाता है। तो इसलिए मेरा नहीं मन करता उन चीजों को खाने का। बाकी देखिए सबका अपना अपना होता है। और मैं सही में बताऊं, मैं इस चीज को पिछले वीडियो में भी मैं बोल रही थी कि ये जो व्रत रखने का, माता को, माता के घर आने का जो हमने मतलब डिसीजन लिया है,
वाकई में बहुत है, और मैं बता नहीं सकती कि भले ही मैं पूरा दिन मेरे से पूजा पाठ नहीं हो पाती, मैं सुबह करती हूँ, शाम करती हूँ, बीच में भजन वगैरह चलाती हूँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी सुन लेती हूँ, या कुछ भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन जितना सुकून मुझे मिला है ना, ऐसा लगता है कि नहीं, वाकई में ही जिस चीज़ के लिए ये होता है, कहते हैं ना कि नवरात्रों का व्रत 9 दिन में कि ऐसे ऐसे होता है, या जो व्रत होते हैं इनमें इस तरीके से, मुझे वाकई में ही वो चीज़ अंदर से महसूस हो रही है। और जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो मन मेरा इतना शांत हो जाता है, मतलब उस टाइम कोई चिंता मुझे महसूस नहीं होती, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई कुछ भी मुझे महसूस नहीं होता उस टाइम। और अपने काम में मैं लगी रहती हूँ, तो मैं सही में बताऊँ, मैं अपने आप को रिकवरी मोड में देख रही हूँ। और अब तो कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम दुखी रहते हैं, तो जो ऊपर से तो कहते ही है ना कि देखते हैं, वो लोग चले तो जाते हैं लेकिन वो देखते हैं हमें, तो मुझे खुद लगता है, और क्योंकि डैडी से भी जैसा कभी बात हो जाती है, तो वो भी कहते हैं कि तू दुखी रहेगी या कैसी भी, तो वो भी दुखी होंगे, क्योंकि जब हमारे घर के ही है, मेरी मम्मी मान लीजिए है, अगर उन्हें ही पता लगेगा कि भाई मैं दुखी हूँ, मैं रोती हूँ या मैं परेशान होती हूँ, तो वो भी दुखी होंगी। तो मैं अब उन्हें और दुख नहीं देना चाहती, मतलब मन में होता है, ऐसा नहीं है कि मैं दुख भूल जाऊंगी, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ और रह भी रही हूँ। अपने जीवन को जैसा मेरा जीवन नॉर्मल था, वैसा ही मैं जीने की भी कोशिश कर रही हूँ। दुख है, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन ये भी है कि हमेशा दुख के साथ जी नहीं सकता इंसान, कहीं ना कहीं उस दुख को रोकना, खत्म करना जरूरी होता है। और मेरे लिए ये समय सबसे अच्छा था, और मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि ये समय वाकई में ही मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। पीहू के डैडी मुझे अभी भी बोलते हैं, 5वां व्रत है आज मेरा, मैंने सारे व्रत रखने हैं, कि इंदु रहने दे, मतलब कुछ तो दिक्कत है, दुख है, तकलीफ है, शरीर में थोड़ी सी हो ही जाती है कमी वगैरह या कुछ भी, की रहने दे, अपने तूने रख लिए 3 जो भी तुझे रखने थे। मैंने कहा नहीं, मैं रखूंगी, इस बार माता ने कृपा की है, पता नहीं कैसे ना कैसे तो कई साल में आके मैं व्रत रख पा रही हूँ, कर पा रही हूँ, और उसमें माता का ही ये है कि मैं मतलब व्रत अच्छे से भी कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरे से व्रत नहीं रखे जाते थे। आप लोगों को भी पता है कि मैंने कई बार व्रत कहीं शुरू किए, एक दिन का भी व्रत मेरे से रखा नहीं जाता था, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो खैर जी, वही है कि मैं अब, मेरे पापा जी चले गए हैं, लेकिन अब मैं उनकी आत्मा को और दुखी नहीं करना चाहती, या मैं नहीं चाहती कि जब मेरे पापा जी मुझे ऊपर से या कहीं से भी देखें, तो वो ये देखें कि मैं रो रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ या मैं परेशान हो रही हूँ। मैं अपने जीवन में अच्छा काम करना चाहती हूँ। मेरे पापा जी बहुत संतुष्ट थे मेरी तरफ से, तो मुझे पता है, क्योंकि मैं इस बात को 100% श्योर होके कह सकती हूँ कि मेरी तरफ से मेरे पापा जी इतने संतुष्ट थे। हम चारों बहन भाइयों में किसी ना किसी के लिए किसी चीज़ की उनको रहती ही थी चिंता, लेकिन मेरी तरफ से उनको ये था कि नहीं, ये ठीक है, बिल्कुल अपना खुश है, टेंशन फ्री है या कुछ भी, हर चीज़। और मैं आपको बताऊँ, मेरे पापा जी चले गए, और मेरी शादी को भी 12 साल हो गए, 13वां लग रहा, और आज तक भी मैंने कभी, चाहे मैं, मुझे कितनी ही दिक्कत हुई या कुछ भी हुआ, कभी मैंने अपने पापा जी के सामने अपनी कभी दिक्कत नहीं बताई। हाँ, अच्छी जो चीज़ होती थी वो मैं बताती थी उन्हें हमेशा, अपनी मम्मी को भी बताती थी, मम्मी को मैं बताती थी जब वो, मतलब जो दिक्कत होती थी वो ख़त्म होगी या कुछ भी, लेकिन उससे पहले कभी मैंने अपने मम्मी और पापा जी के सामने आज तक कभी अपना दुख तकलीफ नहीं बताया। कि मतलब होता ही है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इस दुनिया में ऐसा है कि जिसे दुख तकलीफ ना होती हो, लड़ाई झगड़े ना होते हो, मन मुटाव ना होता या कुछ भी, पर मैंने कभी अपने मम्मी पापा जी के सामने वो चीज़ शेयर नहीं की। अगर शेयर भी किया तो अपनी मम्मी के सामने, वो भी जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती थी। हाँ, अच्छी चीज़ मैं हमेशा शेयर करती थी, और वही चीज़ मैं रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आलू छोंके थे अपने लिए सेंधा नमक के, और बाद में अपने लिए निकाल के मैंने जो बाकी की सब्जी बची थी उसमें मैंने हल्दी मिर्च नमक डाल के दोबारा से सिट्टी लगवा दी। और मैं ना अपनी मम्मी से ही बात कर रही थी, पहले मेरी मम्मी थी और उसके बाद मेरी मौसी थे वीडियो कॉल पे। तो बस यही होता है कि अब तो इसी, देखिए इसी तरीके से अब जीवन जीना है, जीवन निकलेगा भी इसी तरीके से। पर बस ये है कि पहले से कहीं ज़्यादा चीज़ें अब क्लियर है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है, अपना माइंड कई चीज़ों को लेके क्लियर है कि नहीं, जीवन में करना क्या है। दुख तकलीफ है, मानती हूँ मैं, लेकिन उससे आगे निकलने का भी, उससे किस तरीके से, क्योंकि इससे बड़ा दुख देखिए जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अपने अपने माया बाप में से किसी को जाने देने का। और अब इस दुख की वजह से बाकी सारी जो चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो कुछ नहीं थी, मैं जिनके बारे में अब तक बात कर रही थी घर के लिए या किसी चीज के लिए, वो सब बेकार थी।
क्योंकि हर चीज मुझे दोबारा मिल गई है, मिल भी रही है और शायद इन फ्यूचर भी मिल जाएगी, लेकिन जो ये चीज, जो ये गया है ना हमारा, ये हमें कभी नहीं मिलेगा। तो हर दुख हर तकलीफ इस दुख के आगे छोटा है। पर मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा जी मुझे जब भी देखे, वो देखे कि नहीं उनकी लड़की स्ट्रोंग है, वो उस चीज से बाहर आ पा रही है या उस चीजों को समझ पा रही है, तो उन्हें प्राउड फील होगा ऊपर से भी। तो देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था, माता रानी को भी दे दिया था, भोग लगा दिया था, और बच्चों को भी, बच्चों के लिए मैंने रोटी सेक दी थी, तो और अपने लिए सिर्फ मैंने आलू और दही रखे थे। तो जी खाना बन गया और ये देखिए बच्चे खाने लगे हैं। ये बैठा इधर कृष्णा, ले भाई चम्मच, और उधर बैठी है पीबुरु ही, और मैं लूँगी आलू और दही जो माता को भोग लगाया वो। और पीयू के डैडी तो आज दिखे ही नहीं सुबह से, तो आज बच्चों ने भी नहीं देखे डैडी अपने, है ना, आज तीनों बच्चों ने और मैंने, हम में से किसी ने नहीं इन्हें देखा, आज आए ही नहीं घर, क्योंकि सुबह ही हम लोगों के भी उठने से पहले ही चले गए थे। वो किस टाइम गए होंगे मुझे तो पता भी नहीं है, 6:15 बजे से उठी थी मैं, उससे पहले ही वो उठ के चले गए थे। तो जी चलिए, खैर मैं भी एक मतलब ले लेती हूँ जो मैंने बनाया है, और उसके बाद बर्तन वगैरह साफ करूँगी और फिर देखूँगी और क्या क्या काम रह रहा। पानी ले आऊँ बेटो, मैं ला दी। तो जी देखिए, व्रत वगैरह खोल के उसके बाद मैंने की है अपनी किचन की क्लीनिंग। पीयू के डैडी तो लेट ही आएंगे, तकरीबन 10 बजे के बाद ही वो आते हैं, तो अपना मैं तब तक अपना जो होता है खाना पीना कर लेती हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपना एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, और बस इस तरीके से अपना पूरा दिन मेरा निकल जाता है। और कैसे निकल जाता है ऐसे ही मैं कई बार तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो चीज़ें होती चली जाती हैं, काम होते चले जाते हैं और आपको पता नहीं लगता, और खासकर जब अपने बड़ों की ब्लेसिंग आपके साथ हो ना, तो वो हर दिक्कत हर मुसीबत से बाहर निकाल देती है। तो जी खैर चलिए, कोई बात नहीं, और ठीक है जो भी है। तो यहाँ पे बस ये बर्तन वगैरह मैं साफ कर दूंगी, और दूध मैंने उधर रख दिया है गर्म होने के लिए, बच्चों को दूध दूंगी, रात को मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये है कि मेरे पे दूध खाली नहीं पिया जाता है, तो मैं रोटी के साथ खास पी सकती हूँ दूध को, या किसी मतलब जैसा केला वगैरह, केले के साथ भी नहीं इतना होता, पर रोटी वगैरह के साथ मैं दूध पी लेती हूँ, खाली दूध नहीं मेरे से पिया जाता। तो और पियो का डैडी मेरे ऊपर इस चीज के लिए बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ दूध, तो वो कहते हैं कि मतलब कम से कम कुछ तो लिया कर, क्योंकि मैं जो आलू भी मैं छोंक रही हूँ ना वर्त के, वो भी मैं सूखे ही छोंक रही हूँ, मैं घी वगैरह उनमें भी नहीं डाल रही, क्योंकि बस अपना ही मन नहीं कर रहा है। मतलब ये है कि जितना सादगी वाला, जितना सिंपल हो, जितना कम तीखा चटपटा हो, उतना अच्छा है। तो बस जी खैर चलिए, अब इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।